क्वालिटी कर पहले दे पेजर भी बढ़ता है आया नहीं बंदा मैं कमल सिंह गगोर गांव का रहने वाला हूं और हमारे गांव के पास एक एक्सिस बैंक की ब्रांच है। यहां पे आज एक पर्सन पॉजिटिव पाया गया, इसकी जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है और वो बंदा एक हफ्ते से ब्रांच में नहीं आया है। उस वजह से थोड़ा हमें यहां का जो खतरा है वो कम है। वो बंदा जब से पॉजिटिव आया अपने घर में ही होम क्वारंटाइन में है और बाकी जो ब्रांचेस है वो आज बंद करके अपने अपने घर चले गए हैं होम क्वारंटाइन होने के लिए और उन्होंने अपने टेस्ट जो है वो सारे सैंपलिंग के लिए भेज दिए हैं। तो हम सबसे अभी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं वो अपने अपने प्रिकॉशन पर ध्यान रखें और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। और मैं दुआ करता हूँ भगवान के आगे कि जिस बंदे को जो बैंक का एम्प्लॉय है वो पॉजिटिव आया है। आज हमारी सिस्टर एक यहाँ पे स्टाफ नर्स के तौर पर जो काम करते थे वो कांटेक्ट में थे एक पॉजिटिव पेशेंट जो थी ऑर्थो की वार्ड नंबर 7 की वार्ड नंबर 5 की। तो उनका टेस्ट जो है वो 18 को हुआ था, आज उनकी रिपोर्ट आई सुबह तो वो पॉजिटिव है। उस रिपोर्ट सिस्टर को हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया है गांधीनगर हॉस्पिटल को जो है वो सैनिटाइजेशन करवा दी है पूरे की और एज पर हायर अथॉरिटीज़ CMO सांबा हॉस्पिटल को जो है वो 2 दिन के लिए क्लोज कर दिया, ठीक है। और साथ में जो स्टाफ है हमारा साथ सर, जो ये इनका टेस्ट किया गया शक के आधार पर किया गया था जहाँ हाँ तो हमारा स्टाफ का जो है फ्रीक्वेंटली हम करवाते रहते हैं टेस्ट जो हमारे हॉस्पिटल से जब कोई निकलता है केस ना जो यहाँ से होके गया होता है तो फिर हम स्टाफ के जो है टेस्ट करवाते हैं अभी तक। तो हॉस्पिटल जो है वो 2 दिन के लिए क्लोज़ किया है। जो लोग हैं यहाँ के आसपास के जो हॉस्पिटल की सर्विस लेते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 2 दिन के लिए जो है जो OPDs और एमरजेंसी सर्विस है वो साथ वाले हॉस्पिटल जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा है या CSC रामगढ़ है वहाँ से लें। तो बाकी स्टाफ जो है हमारा यहाँ का उनको सबको हमने क्वारंटाइन कर लिया है और उनकी सैंपलिंग जो है आज हो जाएगी।